हेलो एवरीवन। सो एक काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई है। अर्जेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी वक्त एक्सपायर हो सकती है, लिटरली किसी भी वक्त हो सकता है, अगले 1 घंटे में ही एक्सपायर हो जाए। बट इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बोलूँगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सेल्स फोर्सेज हायरिंग फॉर AMTS रोल 2024 ग्रेजुएट्स, ये यहाँ पर आपको एक लिंक दी गई है, आपको इस लिंक को यहाँ पर ओपन करना है। तो आप देख सकते हो 17 जुलाई को पोस्टेड है, किसी भी वक्त एक्सपायर हो सकती है। जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने में जब आप अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर लॉग इन करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में रेफरल लेने के लिए ये एक क्वेश्चन आएगा, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, ठीक है, क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। तो उसमें आपको सिलेक्ट रेफरल करना है एंड इनकी ईमेल आईडी डालनी है s.sarkar@salesforce.com, समझ गए। जब ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, उसमें रेफरल डालकर और इनका आपको ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर रेफरल आपका अप्रूव ये कर देंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर डायरेक्ट रेफरल एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखो ये भी चीज हो सकती है कि इनके पास काफी सारे रेफरल्स पहुंच जाए बिकॉज काफी सारे लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो आप किसी और एम्प्लॉय से भी उनकी ईमेल आईडी मांग सकते हो, ठीक है। तो टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू, मैं आपको केवल एक वे बता रहा हूँ अप्लाई करने का, बाकी फिर आपके ऊपर है, आपकी समझदारी है कि आप कैसे इसमें अप्लाई करते हो। अर्जेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत बहुत अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, सो मिस मत करना अप्लाई करने के लिए। इसमें आप देख सकते हो वर्किंग टुवार्ड्स अ बी टेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी और सर्किट ब्रांचेस ग्रेजुएटिंग इन 2024 की रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे सारी पढ़ सकते हो। 2024 बैच इसमें एलिजिबल है, ठीक है। देन आगे हमें एक हायरिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है फ्रॉम इनफर्ड हायरिंग फॉर मशीन लर्निंग इंटर्न, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। यहाँ पर करंटली परसुइंग अ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मित्सोगो हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर QA फ्रेशर्स, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। बी बी टेक इन एनी स्ट्रीम्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक बड़ी हायरिंग है, मतलब इससे रिवर्ट डेफिनेटली आएंगे, बड़ी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। देन एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, 20 जुलाई को डेडलाइन होने वाली है यहाँ पर कॉग्निजेंट की हायरिंग की फॉर 2022-2023 बैच। सो जितने भी 3 ईयर ग्रेजुएशन वाले लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन बात करते हैं नेक्स्ट हायरिंग की, तो TVS क्रेडिट एक डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एनालिटिक्स चैलेंज है, एंड इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2025, 2026, 2027 बैच सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो इस डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना ना भूलें। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम MRI हायरिंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सीमेंस, दे आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, एंड यू शुड बी गुड विद C# एंड ये सब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई है। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ट्यूनिंग, दे आर हायरिंग फॉर रिमोट पाइथन डेवलपर, जॉब लोकेशन इज रिमोट, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम रहेगा, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे सारी मेंशन है, सो आई विल बी पुटिंग आउट ऑल द लिंक्स द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।